हेलो एवरीवन, सब कैसे हो? सब अच्छे होंगे, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज मैं ना एक नई रेसिपी बनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सरल आसान तरीके से। और बना रहा हूँ घिया के कोफ्ते। तो मैंने घिया काट दिया है इसमें, और एक दो प्याज काट दिए हैं बारीक से, और धनिया, हरा धनिया काट दिया है, और सारे गर्म मसाले, जो भी मसाले आपके साथ घर में, वो सब डाल दिया है इसमें। नमक मिर्ची सब रेडी कर दिया है। आप बनाएंगे कोफ्ते, और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को नैनवाल फ्यूज। हेलो एवरीवन, मैं ये कोफ्ते डालने जा रहा हूँ। तेल ऑन मीडियम में होने देना, ज़्यादा गर्म होगा तो एकदम पकौड़े के बाहर से कहाँ लाल हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो इसको हल्के मीडियम गर्म करना है, और जीरो पर रखना है इसको। तो फिर उसके बाद ये कोफ्ते डालने हैं, जो कि मैं आराम से अंदर तक पक जाएंगे। ये ध्यान रखना हमेशा कि तेल तेज ना गर्म ना हो, खोलता हुआ तेल हो जाएगा तो एकदम कोफ्ते जो है काले पड़ जाएंगे, लाल हो जाएंगे बाहर से, पर अंदर कच्चे रह जाएंगे। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ लोहे की कढ़ाई में, जो कि हर व्यक्ति को आयरन की कमी होती है। और अपने घर में जब भी खाना बनाते हो, लोहे की कढ़ाई में आयरन होता है, तो लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने की कोशिश करें, और इसमें भरपूर मात्रा से आयरन मिलेगा आपको भी और आपके बच्चों को भी। और मैं आज नई रेसिपी के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ, आप भी अपने घर में अच्छे तरह से बनाना। लौकी की सब्ज़ी कोई बच्चे खाते नहीं है, तो उनकी लौकी की यहाँ कोफ्ते बना तो अच्छे से बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, वो अच्छे नहीं खाएंगे, तो इस बहाने से लौकी की सब्जी खा लेंगे। और बने रहे मेरे ब्लॉग में, और आगे आगे क्या क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो जी मैंने गैस जीरो कर रखा है, अपना गैस जीरो हो रखा है, और अब मैं इनको ये अच्छे से वहाँ बन चुके हैं, अंदर से पक गए, अंदर तक अच्छे से बन गए, बहुत बढ़िया हो रखे हैं। देखने से ही मुँह में पानी आ रहा है, देखो कितने शानदार बन रहे हैं, मंचूरियन जैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मंचूरियन है होंगे ये। तो मैं आप इसके कोफ्ते के यहाँ ग्रेवी बना रहा हूँ, मेन चीज कोफ्ते की ग्रेवी है। ग्रेवी को ध्यान से देखना, तब आप भी ऐसे बना सके। और कई के लोगों का कमेंट आता है कि हाँ आप जो है जल्दी जल्दी करते हैं और हमारे समझ नहीं आए, तो मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ, एक एक चीज करके दिखाता हूँ सबको। और ध्यान से देखना क्या क्या डालना है। मैं सबसे पहले डाल रहा हूँ तेज पत्ता, ये तेज पत्ता डाल दिया है। अब यह है दालचीनी, ये डाल दिया है। अब डाल रहा हूँ मोटी इलायची, ये डाल दिया है। उसके बाद डाल रहा हूँ मैं जीरा, जीरा डाल दिया है। और उसके बाद डाल रहा हूँ लहसुन है, ये लहसुन डालो, साबुत लहसुन है, लहसुन डाल रहा हूँ। ये ग्रेवी का सारा खड़े मसाले डाल दिया मैंने, जितने भी होते हैं मसाले, खड़े मसाले डाल दिए हैं। अब ये थोड़ा हो जाएंगे, आपको दिखाता हूँ फिर क्या डालना है इसमें। ये देखो मैंने अदरक डाल दिया है, ये अदरक भी हो जाएगा इसी में। ये देखो जितने भी खड़े मसाले सब डाल दिए मैंने, लहसुन भी, अदरक भी, तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और मोटी इलायची सब डाल रखा है, जो तो जो आपके घर में अवेलेबल है खड़े मसाले सारे डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने मोटा मोटा प्याज काट रखा है, कोई बारीक नहीं काट रखा है, एक प्याज दो प्याज के चार चार पापा कर रखे हैं, ये प्याज डाल देना है इसमें। मेन चीज़ कोफ्ते की ग्रेवी, अगर ग्रेवी जिस बंदे को आ जाएगी बनाना, वो आराम से हर चीज़ बना लेगा। ये ग्रेवी बनाने बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है हार्ड, इसमें आसान तरीका है। ये देखो जी सारे मसाले और प्याज ऐसा करना है, ये ऐसे प्याज काट दिया। उसके बाद डालते हैं मोटा मोटा टमाटर, ये सारे में बारीक निकालना है, मोटा मोटा है, इसको ऐसे ऐसे पकने देना है बस। प्याज सारे मसाले जितने भी हैं, ग्रेवी जो बननी है इसी की बननी है अब ये, और इसको अच्छे से होने देंगे ये। और जब अच्छे से हो जाएगा फिर इसको हम मिक्सी में पीसेंगे। बने रहे मेरे ब्लॉग में, दिल देने को तैयार हूँ। ये देखिए जी, आप मैंने फर्स्ट क्लास जो काम खड़े मसाले, प्याज, टमाटर, जितना भी मसाला था कोफ्ते के मसाला, जो ग्रेवी बनेगी इसी से बनेगी, प्याज टमाटर सब ऐसा हो गया, देख लो ये। आप इसको हम मिक्सी में जब ठंडा हो जाएगा पीस देंगे, और ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 मिनट में हम कोफ्ते आपके रेडी हो जाएगा, ग्रेवी भी कोफ्ते भी सब रेडी हो जाएंगे 10 मिनट में आपका तैयार कोफ्ते। और रेस्टोरेंट से भी अच्छा आपका घर पर बन जाएगा कोफ्ते। एक बार बनाओगे आपके बच्चे कहेंगे मम्मी और बनाओ, आज भी कोफ्ते बनाओ, हमें कोफ्ते भी खाने और कुछ खाना ही नहीं है, ऐसे बोलेंगे, उंगली चाटते रह जाएंगे। वाह, बने रहे मेरे ब्लॉग में। मैंने ये बना दिया है पेस्ट, सारा जो प्याज, टमाटर, गरम मसाले, सारे खड़े मसाले जो भी डाला था सारा कुछ मैंने आपको दिखाया था हम बना के, और ये पी दिया है। और अब इसको कढ़ाई में डालते हैं, और पानी डाल के इसमें कोई कुछ नहीं डालना, सब कुछ पहले डाल रखा है इसमें, सब कुछ रेडी है, ये सब मैंने आपको दिखाया था, सब कुछ एक एक चीज़ करके दिखा रखा है, और मुँह से बोल भी रखा है, दिखा भी रखा है, दोनों चीज़ कर रखा है। ये मैं डाल रहा हूँ यहाँ देगी मिर्च कलर के लिए, जिससे यहाँ स्वादिष्ट स्वाद आता है, बहुत टेस्टी बनता है, और कलर भी अच्छा दिखता है। ये डाला हूँ यहाँ देगी मिर्ची है,
बस। और इसमें कुछ नहीं डालना है, सब कुछ मसाले इसमें पहले ऐड कर रखा है। और ये देखो कितना अच्छा लगा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। मसाले सारे, और ये डाल दिया नमक स्वाद अनुसार, और स्वाद अनुसार जितना आपको तीखा खाना है तीखा, कम करना कम। तो ये डाल देना है मिर्ची, और ये डाल रहा हूँ मैं हल्दी, और ये डाल दिया धनिया पाउडर। ये सब कुछ आपके सामने डाल दिया है, कोई ऊपर से एक्स्ट्रा नहीं डाल रखा है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और बने रहे मेरे ब्लॉग में। ये अब मैं कोफ्ते डाल रहा हूँ, ये देखो कोफ्ते मेरे रेडी हैं। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी होंगे। और ये मैंने लोहे की कढ़ाई बना रखे हैं, ताकि आयरन भी कमी ना हो किसी में। ये देखो कितना शानदार लग रहे हैं, देखो वाह, चार चांद लगा दिए कोफ्ते ने तो। उंगली चाटते रह जाएंगे बच्चे, कभी ये नहीं कहेंगे हाँ ऐसे है वैसा है, अब खुश होके खाएंगे। ये देख लीजिए, देखिए जब मैं हरा धनिया काट रहा हूँ, और जो हरा धनिया है ये घर का है, खेत का मेरा। और हरा धनिया से क्या होगा, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, और खाने में चार चांद लगा देता है हरा धनिया हमेशा। और अच्छे अच्छे धनिया डाल दोगे तो खुशबू भी अच्छी से आएगी, और खाने में चार चांद लगा देता है हरा धनिया हमेशा, आपको पता ही है। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी दिए, दोस्तों शेयर कीजिए। और आप देख रहे हैं नैनवाल पीयूष वीडियो, और बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। यह देखो जी कितना अच्छा लग रहा है, आह हा, मज़ा ही आ गया जी, देखते ही मज़ा आ गया। ये देखो कितना मज़ा आ रहा है देखने में, देखने में भी इतना सुंदर है तो खाने में क्या कितना टेस्ट होगा ये, आह हा, मज़ा आ गया जी। चार चांद लगा दिए इसने।